दोस्तों, अब ये जातिवाद नहीं तो और क्या चीज़ है। मैं कहीं से भी जवानों के प्रति जो है जाति का भेदभाव नहीं रखता। हमारे देश पे, हमारे देश के लिए शहीद होने वाले सभी जवान हमारे लिए एक जवान की भूमिका में हैं, एक सैनिक की भूमिका में हैं। उनके साथ कोई नमस्कार दोस्तों, जातिवाद हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। लेकिन लोग कहते हैं कि आज जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन जब देश के एक बहुत बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जातिवाद करने लगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में जातिवाद खत्म हो गया। जातिवाद खत्म हो जाए ये अच्छी बात है, लेकिन जब देश के सैनिकों के नाम पर जातिवाद होने लगे, उन सैनिकों के नाम से उनकी शहादत को जो है नकारा जाने लगे, उनके साथ जातिवाद करने लगा जाए, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि देश से जातिवाद खत्म हो गया। मैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी का। इनका एक ट्वीट है, इस ट्वीट को आप पढ़िए। इस ट्वीट में पहला ट्वीट इनका जनपद गाजीपुर निवासी सीआरपीएफ इंडिया के जवान श्री अश्विनी यादव की शहादत नमन करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार शहीद के परिवार के साथ है, सरकार द्वारा परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। बहुत अच्छी बात है, अगर देश में कोई जवान शहीद होता है तो उसके प्रति ये सम्मान बहुत ज़रूरी है, उनको न्याय मिलना चाहिए। दूसरा ट्वीट पढ़िए। ग्राम परवाना तहसील सियाना जनपद बुलंदशहर के निवासी शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को 50 लाख का आर्थिक सहयोग देने तथा परिवार के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। कर्नल आशुतोष की स्मृति में उनके पैतृक गाँव में गौरव द्वार का भी निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, अब ये जातिवाद नहीं तो और क्या चीज़ है। मैं कहीं से भी जवानों के प्रति जो है जाति का भेदभाव नहीं रखता। हमारे देश पे, हमारे देश के लिए शहीद होने वाले सभी जवान हमारे लिए एक जवान की भूमिका में हैं, एक सैनिक की भूमिका में हैं। उनके साथ कोई भी भेदभाव किसी भी आधार पे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब देश के एक बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ये चीज़ कर रहे हैं कि एक जवान जब शहीद होता है तो उसको केवल नमन करते हैं, उसको केवल संवेदनाएँ व्यक्त करते हैं, वहीं जब एक जवान शहीद होता है जो जिसका एक विशेष कम्युनिटी से बिलोंग करता है, विशेष जाति से बिलोंग करता है, तो उसके प्रति संवेदनाएँ के साथ साथ उसके एक परिवार को नौकरी और 50 लाख रुपए की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जाति का जो भेद है, जो भेदभाव हमारे देश में सदियों से रहा है, उसका एक अंश देखने को मिलता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में जातिवाद खत्म हो गया। हमारे देश में जातिवाद बिल्कुल भी नहीं खत्म।